वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप अच्छे होंगे, ठीक होंगे। तो ये बनना है अचार हमारा, जो फटाफट से खा लिया जाएगा एक घंटे के अंदर अंदर, क्योंकि मैं ज़्यादा मिर्च इकट्ठी हो जाती तो फिर मैं ऐसे ही करके डाल देती हूँ। आज जो लोग मेरी पुरानी वीडियो देख चुके होंगे उन लोगों को शायद मालूम होगा मैं ऐसे ही अचार डालती हूँ रोज़ नहीं, जब तक तो हफ्ते में एक बार डाल लेती हूँ। इस तरह से अचार अच्छा लगता है खाने में, क्योंकि मुझे करेले बनाने थे तो मैंने उसका मसाला पीसा हुआ था, मैं सोचा थोड़ी सी मिर्चें भी लगे हाथ डाली देती हूँ, थोड़ा सा मसाला इसमें भी डाल दूँगी, हम बाकी का करेले भी डाल दूँगी। तो बस ये हल्दी सी डाल दी है इसमें मैंने, और ये थोड़ा सा जो है नमक वगैरह डालूँगी। मतलब ये ऐसा चार है जो अभी एक घंटे बाद हम लोग खाने लग जाएंगे, इसको अच्छा लगता है हमारे घर में सभी को अच्छा लगता है, तो मैं इस तरह ही डाल लेती हूँ, क्योंकि मिर्चें बच भी जाती हैं और वैसे कोई खाता नहीं है तो ऐसे बच जाती हैं, तो इस तरह से मैं डाल लेती हूँ। तो ये मसाला भी इसमें ऐड कर लिया मैंने, और बस इसमें थोड़ा सा जो है तेल डालूंगी। तेल भी मैंने वो वाला डाला है, वही वाला डाला है जो मैंने सुबह नाश्ते में पापड़ वगैरह फ्राई करे थे, तो उसका ही तेल बच गया था, तो उस तेल को मैं डाल दूंगी इसमें। और बस उसके बाद हमारा जो अचार रेडी हो जाएगा, अचार खाने लायक हो जाएगा। किस किस को अच्छा लगता है अचार, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, आप लोग बड़े प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं, बढ़ के अच्छा लगता है। तो बस जो है ये अचार डाल लूँगी, उसके बाद अपनी सब्ज़ी तैयारी करूँगी, क्योंकि आज मुझे करेले बनाने हैं। तो ये करेले में खूब सारा प्याज डाल के करेले वगैरह बनाए हैं, करेले में प्याज ज़्यादा ही पड़ता है, सबको पता है, कोई नई रेसिपी नहीं है और ना ही कोई रेसिपी बता रही हूँ मैं। तो उसी काफ़ी प्याज फ्राई वगैरह हुए थे तो मैंने जो सॉफ्ट फ्राई पीसी थी उसको डाल दिया। करेले को मैंने एक घंटा पहले नमक में डाल के रख दिया था, क्योंकि उनकी कड़वाहट निकल जाएगी तो अच्छे हो जाएंगे खाने में, टेस्टी लगेंगे। करेले की सब्ज़ी तो वैसे भी अच्छी होती हैगी, और जब तक करेले का हल्का हल्का सा कड़वापन ना हो तो करेले अच्छे भी नहीं लगते हैं। तो ये मैंने करेले डाल दिए हैं इसमें, करेलों की सब्ज़ी बन जाएगी हमारी। वही मॉर्निंग का काम है जो होता है रोज़, क्योंकि स्कूल अभी चल रहे हैं तो बच्चे स्कूल चले गए हैं, जो जाने वाले स्कूल से वो स्कूल चले गए हैं, थोड़े काम पर हैं, तो खाना पीना बनाऊँगी और लंच वगैरह उनको भेजूँगी, ये मॉर्निंग का ही है। तो जो आधे एक घंटे बाद हमारे करेले बन गए थे, तो देख काफ़ी अच्छे से गल गए हैं ये करेले, उतार लूँगी, उसके बाद खाना सेकूँगी, पराठे सेकूँगी करूँगा। तो बस जिनका लंच जाएगा उनका लंच चला जाएगा, जो घर में खाएंगे वो घर में खा लेंगे, हम तो घर में खाएंगे निपट के। तो बस ये खाना बना रही हूँ, पराठे सेके हैं इसके साथ, अचार भी तैयार हुआ, ये काम पड़ा हुआ देख सकते हैं आप लोग पीछे किचन में। तो बस खाना सेकने के बाद जो है काम करूँगी अपना, वही घर का काम है जो रोज़ होता है, अब वैसा विशेष साफ़ सफाई का काम नहीं था, क्योंकि अभी करके चुकी हूँ साफ़ सफाई हाल फिलहाल में। तो बस ये खाना पीना बनेगा, थोड़ा सा सामान इधर पड़ा हुआ है कमरे का, तो बस उस सामान को सेट करूँगी। खाना बनाने के बाद अपनी गैस वगैरह के लिए, ये तो रोज़ का ही काम है, जब तो मैं इसको गैस को सबसे अच्छे से नमाज लूँ, तब तो मैं पहले वाली गैस भी मेरी स्टील की थी उसको मैं चमका के रखती थी, इसको भी साफ़ करके रखती हूँ नीट एंड क्लीन। तो बस ये गैस वगैरह मच जाएगी, उसका थोड़ा सा काम कमरे का पड़ा हुआ उसको भी करूँगी। सामान लेकर आए थे हस्बैंड जी, तो उसको सही करके मैं कार्टून में करके रखूँगी, इधर तो सामान पहले बहुत अच्छा नहीं लगता तो मैं इस तरह के कार्टून में उठा के रख देती हूँ सामान, ऐसे आज ईजिली आराम से मिल भी जाता है और सेट भी हो जाता है, सामान फैला रहा नहीं होता है। तो बस छोटी सी वीडियो बनाई थी, आई होप आपको अच्छी लग रही हो, अच्छी लग रही तो प्लीज़ लाइक कर देना, और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।